बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ अपने चैनल मुकल्लफ राजपूत में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। मैं आया था खेतों में क्योंकि मुकर्रम भाई लोग आ चुके हैं वापस। मुकर्रम भाई कह रहे थे रेसिपी बनानी है, तो जाके किचन जो है वो चेक करके आएँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किचन की जो हालत है वो क्या हुई है। बारिशों का मौसम चल रहा है और किचन की जो हालत है ये देख सकते हैं आप। ये मिट्टी फिर से उतर गई है सारी ना, उतर गई पर इसके अंदर पत्ते पड़े हैं दरख्तों के। तो अभी इसको जो है ना हटा के सारे को उसकी सफाई करके फिर जो है ना करम भाई कह रहे थे कि रेसिपी बनानी है, तो उसकी सफाई वगैरह चेक करके आओ कि क्या हालात हैं किचन के। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो चावल की फसल है काफ़ी बेहतर हो गई है। ये देखें सामने माशाल्लाह। किचन की जो हालत है वो बहुत ख़राब है क्योंकि मौसम चल रहा है बारिशों का, जिसे हम अपनी ज़बान में सोन बोलते हैं। तो सोन का महीना चल रहा है और सोन के महीने में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, और हमारी जो चावल की फसल है वो पीछे आपको नज़र आ रही होगी माशाल्लाह से बहुत बेहतर है। और दूसरी तरफ भाई लोगों ने लगाना शुरू कर दिया, इस तरफ भी जो हमारे विलेज के लोग हैं उन्होंने लगाना शुरू कर दिया अपने खेतों में, और इस तरफ भी ये सारे खेतों में जो है ना लग चुकी है। ये आज प्लान था हम करम भाई का ना, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था कि रेसिपी बनाई जाए, लेकिन जो है ना बारिशों का मौसम है ना, तो बारिश की वजह से फिर जो किचन है वो काफ़ी ख़राब हो गया। करम भाई तकरीबन 10-12 दिन के बाद वापसी आए हैं, तो तब तक किचन को किसी ने भी देखा भी नहीं था। आते थे हम लेकिन डांपा हुआ वह सारा। किचन की हालत तो काफ़ी ख़राब है, अभी किचन की जो है ना वो सफाई करके तो उसको बेहतर करेंगे, फिर जो है ना करम भाई रेसिपी बनाएंगे। और मौसम आज बहुत प्यारा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़्यादातर जो खेत हैं उन खेतों में जो है ना चावल की फसल लग चुकी है। एक ये खेत और एक ये खेत और ये खेत, सारे खेत हमारे माशाल्लाह फिट हैं। सूरजमुखी के तने कोई कोई बाकी हैं क्योंकि ये बीच में हमने छोड़े हुए हैं कद्दू के पौधे हैं, कद्दू भी लगे हुए हैं इन पे ना माशाल्लाह से। तो एक और बात कि हमारे विलेज में सौन की जो 11 होती है ना, यानी कि सावन की 11 तारीख को हमारे विलेज का मेला होता है बहुत बड़ा है, लेकिन इस दफ़ा नहीं होगा। आप सब दोस्तों को पता है क्या हालात चल रहे हैं। तो एक तो दुकान आई है, अभी मैं आप उसका भी विज़िट करा देता हूँ। अस्सलामुअलैकुम अंकल जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? है की बना रहे हो? ओह वाह जी वाह, देखो जी ताज़ा मेसू, ये ताज़ा मेसू बन रहे हैं। तो एक ये दुकान लगी है, दो तीन, और ये तो पहले इधर ही थी ना, इधर काफ़ी सारी दुकानें लगती थी लेकिन अब नहीं लगेंगी, अब जो है ना सिर्फ दो से तीन ही। और ये हमारे विलेज का दरबार शरीफ है इस साइड पे, ये इस साइड पे। वो पहले तो काफ़ी सारी जो है ना शॉपें आती थी, मेला शेला काफ़ी बड़ा होता था इस साइड पे ना, जो पीछे खेत है वहाँ पे भी ना काफ़ी बड़ा मेला होता था, लेकिन अब नहीं होगा, अब सिर्फ दो से तीन शॉपें होंगी। तो ये हमारे विलेज का मेला होता है सोन की 11 को। ये ताज़ा ताज़ा मेसू बने हैं अभी, इसे एक थाल बोलते हैं, बड़ा सा होता है, इसमें जो है ना जमाते हैं, फिर काट काट के ऐसे डेकोरेट करते हैं, तो फिर लगाते हैं आगे। ये बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और ऐसे गर्मी में खेतों में लगाई होती हैं शॉपें। मौज़म भाई भी मेरे साथ। आज मौसम बिल्कुल बारिश वाला था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी बारिश आ गई है। ये देखें वाह, ये देखें, और साथ में मैं बना रहा हूँ गर्मा गर्म पकौड़े। देखें माशाल्लाह, अभी साथ साथ पकौड़े भी बन रहे हैं। आज मौसम बिल्कुल पकौड़े खाने वाला है। हमें मिले हैं जी ये हमारे चचू जान, अंकल जान, अंकल राणा माशाल्लाह से के बहुत फिट हैं, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, बहुत ज़्यादा इनसे मैंने इनसे सीखी है और इनके साथ खेली है। तो ये माशाल्लाह से काम भी करते हैं, रिक्शा ये इन्होंने रखा हुआ है और ये चलाते हैं माशाल्लाह, और हमारे साथ टाइम ही स्पेंड करते हैं, क्रिकेट का हो जिस तरह का मर्ज़ी हो लेकिन हमारे साथ पूरा टाइम स्पेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अंकल जी, क्या हाल चाल है?
अल्लाह का शुक्र है सब खैर। आज रक्षा पेंट जी खिलाफ की वजह से आज बंद है। हाँ सही है भाई, तीसरा कोरोना की वजह से सवारी जो है वो मिल नहीं रही, बाजार वगैरह में सवारी नहीं, बंद है भाई। सही सही, अभी आहिस्ता आहिस्ता अंकल जी जो बाजार में है वो सवारी आ रही हैं, लेकिन उस तरह का काम नहीं है। हाँ, वो काम नहीं है जो पहले था। वैसे काम आपका ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सही चलता है निजाम। निजाम अल्लाह का फजल है कि क्योंकि दिहाड़ी तो इतनी बनती नहीं है, लेकिन चलो फिर भी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है, सही हो गया। तो अपना आपने बताया था कि आप माशाल्लाह से 9 बेटों के बाप हैं, 10 माशाल्लाह जी, माशाल्लाह 10 बच्चे हैं जी अंकल साहब के। तो लगता नहीं है, ये हमारे साथ अभी भी खेले तो हमसे ज्यादा भागते हैं और अच्छी बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं माशाल्लाह से। आजकल मौसम जो है हमारे यहाँ मरी बना हुआ है माशाल्लाह से, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गया और वो सामने खेत में जो है ना, ये सामने खेत में ट्रैक्टर के साथ खेत बनाया जा रहा है, यानी कि कद किया जा रहा है। ठंडे मौसम में चाय या पकौड़े खाने को दिल करता है, अभी चाय पीते हैं। तो आज के लिए इतना था, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और बारिश में चाय एंजॉय करते रहें।